नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रियंका गांधी अयोध्या में हैं, मगर उनके अयोध्या दौरे पर बीजेपी की तरफ से करारा वार किया गया है। आज केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने समझौता धमाका केस के जरिए प्रियंका समेत पूरे कांग्रेस पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि हिंदू आतंकवाद के नाम पर कांग्रेस ने साजिश रची। जेटली ने यह भी कहा कि वोट के लिए कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद का नारा दिया, क्योंकि समझौता धमाके की जांच 2009 तक पूरी हो चुकी थी, मगर कांग्रेस ने जानकारियों को नजरअंदाज किया। अब कांग्रेस हिंदुत्व में श्रद्धा दिखा रही है। कांग्रेस ने कहा कि प्रियंका भी मानेगी कि अयोध्या राम जन्मभूमि है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि प्रियंका पॉलिटिकल पर्यटन पर है, पॉलिटिकल टूर पर है। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात है लोग जाएं और इस बात को स्वीकार करें कि यही सही राम जन्म स्थान है। देखिए, मैं प्रायश्चित नहीं कहूंगा, क्योंकि इसका कितना विश्वास के साथ संबंध है और कितना पॉलिटिकल कन्वीनियंस के साथ संबंध है। नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद से लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी गरीबी और बेरोजगारी के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी सुशासन के लिए काम कर रहे हैं और उस कामयाबी से हताश और निराश लोग नरेंद्र मोदी जी से भिड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो प्रियंका जी या और लोग जो पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं और ख़ास तौर से धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, तो हमारी तो उनको यही सलाह है कि कम से कम अपनी अपनी जो पार्टी है उसका जो दशकों का पाप है उस पाप का प्रायश्चित भी करें साथ में। एक तरफ बीजेपी प्रियंका के अयोध्या दौरे पर कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, तो वहीं प्रियंका के दौरे पर अयोध्या विवाद के पक्षकारों ने भी प्रियंका को लेकर बयान दिए हैं। सबसे करारा प्रहार मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रियंका पर किया है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि प्रियंका गांधी को अयोध्या दौरे का सियासी फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि 70 सालों में कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि प्रियंका सरयू के दर्शन करें और जाएं। इतना ही नहीं, इकबाल अंसारी ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ भी की है। इधर हिंदू महासभा की अगर हम बात करें तो उनके पक्षकार स्वामी चक्रपाणी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि पीएम मोदी अब तक अयोध्या क्यों नहीं आए हैं, क्या मोदी ने श्री राम को भुला दिया? देखिए, अयोध्या में प्रियंका गांधी का आना, अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, हमें पूजा पाठ करें, सरजू स्नान करें, ये सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना काम करें। सवाल यहाँ है सियासत का। 70 साल कांग्रेस हुकूमत में अयोध्या का जो है कोई बदलाव नहीं आया। जनता रोजगार भी चाहती है, बदलाव चाहती है, कांग्रेस के ज़माने में कोई बदलाव अयोध्या में नहीं आया। सड़कें वैसे के वैसे रही और कोई अच्छा पार्क नहीं, कोई अच्छा होटल नहीं, कोई अच्छी मिल फैक्ट्री नहीं। 70 साल का एक्सपीरियंस कांग्रेस का रहा, कोई विकास नहीं हुआ। आज माननीय योगी जी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर विकास को देखना है तो जो है विकास भाजपा भी किया जो है कर रही है। इससे पहले सपा सरकार थी, अखिलेश ने भी अयोध्या में विकास किया है, माननीय मायावती ने भी विकास किया है, कांग्रेस ने अयोध्या में कोई विकास नहीं किया। देखिए, भगवान का तो आशीर्वाद सबको लेना चाहिए, लेकिन आप ये देखिए कि मुद्दा इसको सबसे ज़्यादा बनाने वाले बीजेपी थी और मुद्दे के लाभ भी लिया। जो दो सीटों पे थी बीजेपी कभी और 20 राज्यों में आज उसकी सरकार है, केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिस भगवान श्री राम के नाम पे सरकार बनी बीजेपी की, प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे लेकिन अयोध्या जी अभी तक नहीं आए। तो सबसे पहले सोचना चाहिए, और देश इस चीज़ को देख रहा है, विपक्ष आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, प्रियंका जी आ रही हैं तो बिल्कुल उनका स्वागत है, लेकिन मोदी जी को भी आना चाहिए था। मोदी जी जो अभी तक नहीं, अब उनका देखना यह है कि चुनाव में भी वो आते हैं कि नहीं आते हैं। और अयोध्या में आदिलपुर में प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित कर रही है, हम सीधे आपको लिए चलते हैं। पिछले 5 सालों में जिस तरह की राजनीति आगे आई है उसमें और पहले के सिलसिले में भी बहुत अंतर है, और मुख्य रूप से ये अंतर है कि जो ये राजनीति है, जो भाजपा ने
पिछले 5 सालों के लिए देश में चलाई है, ये झूठों और प्रचार पर आधारित है। तो 5 साल पहले जब आपके सामने बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, आपको बताया गया लाइव है क्या। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।